धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप श्री के सम्मानित माध्यम से आदरणीय नागरिक उड्डयन मंत्री से समक्ष मेरे वडोदरा के लोकसभा के परिचालित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट पर हब एंड स्पोक ऑपरेशन प्रारंभ करने के लिए मांग रखना चाहती हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से वडोदरा में देश का दूसरा नव निर्मित ग्रीन एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का लोकार्पण दिनांक 22/10/2016 में हुआ। वडोदरा एयरपोर्ट प्रतिदिन 10 से 12 डोमेस्टिक फ्लाइट परिचालन करता है। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए गुजरात के 33 जिलों के तमाम हवाई यात्री अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निर्भर रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नव निर्मित और एयरपोर्ट टर्मिनल भवन केवल वडोदरा और आसपास के 10 जिलों ही नहीं किंतु पूरे गुजरात के लिए एक नए विकल्प के रूप में प्रस्तापित हुआ है, क्योंकि वडोदरा देश का 18वां और राज्य का 3रा बड़ा शहर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से वडोदरा के इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नव निर्मित ग्रीन एयरपोर्ट टर्मिनल भवन कस्टम और इमिग्रेशन सिक्योरिटी और एयर कार्गो के समावेश शक्ति के साथ अनेक व्यापार वाणिज्यिक और संभव वन प्रदान करने का सामर्थ्य रखता है, जो केवल वडोदरा ही नहीं पर गुजरात के अन्य शहरों के बाजार अर्थतंत्र को नई गति प्रदान कर सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से नागरिक उड्डयन मंत्री से ये मांग रखना चाहती हूँ। धन्यवाद।